हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पुरानी जीन्स से हाथ का पंखा बनाना बता रही हूँ। देखिए, कोई भी पुरानी जीन्स आप ले लीजिए और इसको यहाँ से काट लेना है। ये देखिए, मैंने काट कर रखी हुई है। अब इसको ऐसे रखना है इसको हमें, और ऐसे पलट लेंगे। देखिए, अब ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसको यहां से सिल लेना है। इसको आप सुई से भी सिल सकते हैं और मशीन से भी सिल सकते हैं। अब देखिए, यहां से यहां तक सिल लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कैंची से काट देंगे। ये भी हमें काट लेना है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा बन गया। अब हम बड़ी सुई में वूल डालेंगे। वूल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वूल जो है वो थोड़ा सा मजबूत रहता है। अगर आप कोई धागा लें तो आप ऐसा धागा यूज करें जो मजबूत हो, और अगर आप रील का धागा यूज कर रही हैं तो उसकी कई लेयर्स लें। 5-6 लेयर्स आप उसकी लेकर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर हम थोड़ा सा छोड़ देंगे इतना, और यहां से ऐसे दूर दूर हमें टांके लेने हैं। देखिए, यहां तक जैसे हमने उस साइड थोड़ा सा छोड़ा है, वैसे ही हम इस साइड भी इतना छोड़ देंगे।
अब यहाँ पर गांठ लगाएंगे। देखिए ये इस साइड का है, ये इस साइड का धागा है, यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। अब ये ऐसा बना। अब यहां पर हमें डंडी लगानी है। अब देखिए ये लकड़ी हम लगाएंगे, इसको ऐसे रखना है और अंदर की साइड फोल्ड करके इसको धीरे धीरे यहां पर सिल लेना है। ऐसे ही इस साइड भी। ऐसे हमें इसको सिलना है। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल लगाने के लिए ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आप थोड़ी बहुत और चौड़ी लेना चाहें या थोड़ी कम चौड़ी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसमें हम 3-3 इंच पर मार्क लगा लेंगे। 1, 2, 3। ये फिर 3। ऐसे 3-3 इंच की दूरी पर हमें ऐसे निशान लगा लेने हैं पूरी पट्टी में। मार्क लगाने के बाद अब देखिए हम फ्रिल लगाएंगे। यहां से फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। इसको यहां पर सिल लेना है और ये जो हमने मार्क लगाया है 3 इंच का, इसके मिडिल में यहां पर हमें ऐसे एक सल बना लेना है। ये देखिए
ये हमारा मार्क है, इसके मिडिल में बीच में यहाँ एक सल ऐसे बना लेंगे। अब इसको भी सिल लेना। देखिए धागे को ऐसे नहीं खींचना है, ऐसा ही रखना है लूज। अब इसको यहां पर सिलेंगे। ये जो हमारा मार्क है वहां से अब फिर से हम इस मार्क के और यहां के बीच में यहां पर ऐसे बनाएंगे और इसको सिल लेना है। अब इसको हम यहां सिलेंगे। फिर से वैसे ही अब देखिए ऐसे ही हमें ये पूरी फ्रिल लगा लेनी है। ये देखिए फ्रिल मैंने पूरा लगा लिया है। अब हम इस तरह के बड़े बटन लेंगे। दो बटन लेने हैं हमें, या हम कोई फ्लावर भी बनाकर लगा सकते हैं। इन्हें हम यहां पर लगा देंगे, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। तो हमारा जो ये पंखा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।